वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज की इस लेटेस्ट वीडियोज में हम आप सबको क्लास 10 के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाले। भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो सीधे ही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 2011 से लेके 2024 तक ज्योग्राफी में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों का हमने संग्रह किया है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, कितने आप आज सही कर पा रहे हैं, कितनी आपकी तैयारी है SST का। बहुत लकी है जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो चलिए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। देखेंगे हम, आप लोग भी कमेंट में अपना आंसर मिलाइएगा कितने आपके सही होते हैं। देखेंगे हम किस में है कितना दम। फटाफट सेशन की शुरुआत होती है। पहला क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला, ठीक है। चलिए इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, अनवीकरणीय। मिलाते चलिएगा आप लोग, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय, बिल्कुल ए ऑप्शन। जिनका भी कमेंट में है उनका बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। देख सकते हैं कितनी बार इसको पूछा हुआ है, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है बिल्कुल ही पुनः पूर्ति योग है, इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा अगर आपका कमेंट बी ऑप्शन है तो बिल्कुल सही है। चलिए फटाफट तीन नंबर, तट रेखा से कितनी किमी यानी कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। तो इस प्रश्न में आपका तीन में बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 200 किलोमीटर। बी ऑप्शन आपका सही है। चार नंबर क्वेश्चन मिलाएंगे, लिखा है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधन विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे रसगुल्ले मिलाएंगे, इसका बिल्कुल बी ऑप्शन, संसाधन के विदोहन से। चार का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरे शेर और शेरनियों, पाँच नंबर, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है, मौजूद है, इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन देखते हैं, आपका पहला हो जाता है 10.2 किलोमीटर, अगला है 15.5 किलोमीटर, सी है 12.2 किलोमीटर, डी है 19.2 किलोमीटर। चलिए आप लोग मिलाएंगे, इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर डी होगा, 19.2 किलोमीटर। ओके, छह नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका सवाल है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव। हाँ मेरे शेर और शेरनी, इसका जवाब दीजिए, कोयला पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है अनवीकरणीय तो बिल्कुल सही है, छः का ए हो जाएगा। सात नंबर देखिए, पूछ रहा है कि निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर्वतीय है, मरुस्थलीय है, पीली है, जलोढ़ है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, जलोढ़। सात का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर आठ, चलते हैं देखेंगे हम किसमें है कितना दम। आठ में आपसे पूछ रहा है काली मृदा का दूसरा नाम, बहुत बार इसको पूछा गया है। ऑप्शन ए है बलुई, बी है रेगुर, सी है लाल और डी है पर्वतीय। हाँ तो इसका बिल्कुल ही सही जवाब, आपका काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। आठ का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, नाइन नंबर है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है, नाइन में पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल ही आपका राइट ऑप्शन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र में से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बलुई मिट्टी यानी मरुस्थलीय मिट्टी जो है राजस्थान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दस नंबर आपसे पूछ रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब। चलो मेरे शेर और शेरनियों, इसका आंसर मिलाएंगे, इसका सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में है, फटाफट बिना टाइम बर्बाद किए हुए, ठीक है। ग्यारह है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, गहन खेती। तो मेरे शेर और शेरनियों, इसको भी 2012, 2015 और 2020 में पूछा हुआ है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण 11 में आपका अगर ऑप्शन सी है अधिक सिंचाई तो बिल्कुल सही है ना।
वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए वहाँ के भूमि जो होते छोटे छोटे बना के खेती की जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कपास की खेती के लिए। लाल ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी है, काली और पर्वतीय। इसका मेरे शेर और शेरनियों बिल्कुल ही राइट आंसर 12 में आपका सी हो जाएगा, काली मिट्टी। बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट आंसर, काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। ठीक है ना, 13 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे रसगुल्ले मिलाएंगे फटाफट, रुकना मना है, कितना आप सही कर पाते हैं। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है, मतलब नष्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर और 18 करोड़ हेक्टेयर। तो इसका बिल्कुल ही सही जवाब आप लोग अपना कमेंट मिलाएंगे, 13 में अगर आपने सी ऑप्शन 13 करोड़ हेक्टेयर लगाया है तो बिल्कुल ही सही लगाया है मेरे शेर और शेरनियों। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर पूछ रहा है कि मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। 2018 में इसको पूछा था, बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। हाँ, तो मेरे प्यारे रसगुल्ले मिलाएंगे इसका सही जवाब, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन का नाम है एंड्रीन। तो जिनके भी कमेंट में सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर 100% सही है। बहुत अच्छा, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अरे अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में, जिनके हुनर बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 15 नंबर की ओर। 15 सवाल आपसे पूछता है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है पंडित नेहरू। तो मेरे प्यारे रसगुल्ले इसका आंसर मिलाएंगे, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, पंडित नेहरू। तो 15 का डी ऑप्शन जिनके भी कमेंट में है उनका बिल्कुल ही 100% राइट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागर में निहित है। ऑप्शन ए है 96%, बी है 95%, सी है 96.6% और डी है 95.5%। तो मेरे प्यारे रसगुल्ले इसका बिल्कुल ही सही जवाब 16 में, अगर आप 90.5% मार रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है, कभी कभी 96 भी हो जाता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन मिले तो इसी को टिक कर दीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम किसमें है कितना दम। ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, और पूरा उम्मीद है सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको सटीक आंसर देंगे। उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह और लाल ग्रह, इन चारों ऑप्शन में आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बी होगा, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं जल की उपस्थिति के कारण। 18 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। 2018 के सेकेंड सेटिंग का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है फ्लोराइड, बी है क्लोराइड, सी है आर्सेनिक, डी है लौह। तो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों इसका बिल्कुल ही सटीक आंसर 18 में आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक वाले आप लोग सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 20 ही प्रश्न कराएंगे आपको, पहले ही बोले थे। 19 नंबर है कि है ना, 19 में पूछ रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत भाग जल की मात्रा निहित होती है। ऑप्शन ए है 55%, बी है 60%, सी है 65% और डी है 70%। तो मेरे शेर और शेरनियों इसका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 65%। तो जिनका भी सी ऑप्शन है उनका बिल्कुल सही है। और आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। ऑप्शन ए है 16%, बी है 18%, सी है 20% और डी है 22%। तो विश्व की जो जनसंख्या है उसका जो है 16% लोग जो हैं इंडिया में निवास करते हैं, इसलिए 20 का आपका ए ऑप्शन 100% सही है। तो जिनका भी कमेंट में ए है बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको आज की इस वीडियोस में हमने भूगोल के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लाइव में कराया।
आपके कितने सही है कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि सर हमने 20 में 20 सही किया है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं और इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जिसने भी इस वीडियो को अभी तक लाइक ना किया है मेरे शेर और शेरनी हो तो जल्दी से एक प्यारा सा लाइक करें, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ योर लक, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 10,000। जय हिंद।